के 9 वर्ष की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके मित्रों शुभचिंतकों के जीवन में खुशहाली लेकर के आए। आप सब इसी प्रकार से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में रह करके लोगों के लिए प्रेरणा और प्रकाश के स्तंभ बने रहें, मैं इसके लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। वर्षों से जो लोग पीड़ित थे और आज़ाद भारत में भी जिन्हें अपना हक नहीं मिल पाया था, ऐसे बनटांगिया गांवों को हमारी सरकार ने मान्यता देना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 65 गांव हम लोगों ने बनटांगिया के चिन्हित किए हैं। मुसहर जाति से जुड़े हुए गांव और अन्य अति दलित और अति पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए वे गांव जो आज़ादी के बाद से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, ऐसे लगभग 1625 गांव पूरे प्रदेश के अंदर हैं जिनमें आज़ादी के बाद कोई भी कार्य नहीं हो पाया। उन सब को बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने, शासन की विकास की योजनाओं को और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को उन सभी तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ने एक अपना रोड मैप तैयार किया है और उसी के तहत आज महाराजगंज के 18 उन बनटांगिया गांवों को जिन्हें आज़ादी के बाद कुछ भी सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई थी, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने, शासन की विकास की योजनाओं को उन सभी लोगों तक पहुंचाने और शासन की कल्याणकारी योजनाओं से उन लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज मैं स्वयं उनके बीच में जा रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग प्रदेश के उन सभी 1600 गांवों को, यानी सभी गांवों में तो हम विकास कराएंगे, लेकिन जो उपेक्षित थे आज़ादी के बाद से जिनमें कोई कार्य नहीं हो पाया था, ऐसे 1625 जो गांव अब तक चिन्हित किए गए हैं, उन सभी 1625 गांवों को हम लोग विकास की योजनाओं के साथ साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब शासन की उपेक्षा से जो लोग लगातार अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे, मुझे उनके बीच में जाकर के प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उनके बीच में हम लोग जाएंगे और वे लोग वर्षों से जिस बात की एक तमन्ना लेकर के कार्य कर रहे थे कि हमें भी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा, हमें भी मताधिकार का प्रयोग करने का एक अधिकार प्राप्त होगा, हमें भी शासन का राशन मिलेगा, हमें भी पेंशन की सुविधा मिलेगी, हमारे यहाँ भी स्कूल होगा, हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, हमारे लिए भी पेयजल की योजना बनेगी, हमारे लिए भी सड़क बनेगी, हमारे घरों में भी बिजली जलेगी, हमारा भी पक्का मकान होगा, उन सबको इन योजनाओं का लाभ देने के लिए आज मैं उनके बीच में जा रहा हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।